एक्स्ट्रा टाइम। शारजाह में किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ रविवार के आईपीएल खेल से पहले राहुल तेवतिया की बल्लेबाजी क्षमता के बारे में बहुतों ने नहीं सुना है। हरियाणा के क्रिकेटर ने अकेले ही मैच का रंग बदल दिया, एक बार फिर साबित कर दिया कि क्रिकेट का कोई खेल तब तक नहीं जीता जाता जब तक कि आखिरी गेंद ना फेंकी जाए। किंग्स इलेवन पंजाब के युवा लेग स्पिनर रवि बिश्नोई की गेंद को बल्ले से खेल नहीं पाने की वजह से 27 वर्षीय को सोशल मीडिया पर टॉन्ट का सामना करना पड़ा। एक समय पर तेवतिया 19 गेंदों पर 8 रन ही बना सके, लेकिन इसके बाद राजस्थान रॉयल्स के क्रिकेटर की ओर से आश्चर्यचकित रूप से हिट पड़ी, क्योंकि उन्होंने वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाज शेल्डन कॉटल को क्लीनर्स के हाथों में दे दिया। 18वें ओवर में लगातार 5 छक्के लगाए तेवतिया 31 गेंदों पर 53 रन बनाकर आउट हुए, जिसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा रन चेस करके मैच जीतने का कारनामा किया। यह कहना ज्यादा सही होगा कि वो आए थे, उन्होंने स्ट्रगल किया लेकिन फिर भी विजय प्राप्त की। बाएं हाथ के बल्लेबाज ने एक ओवर में 5 छक्के मारने की उपलब्धि हासिल की, जो कि कैश रिच लीग का और रिकॉर्ड है, जैसा कि इससे पहले किसी ने नहीं किया हो। पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह, जिन्होंने T20 विश्व कप में स्टुअर्ट ब्रॉड के ओवर में 6 छक्के मारे थे, उन्होंने ट्विटर पर RR को शानदार जीत की बधाई दी। बाएं हाथ के इस खिलाड़ी ने भी तेवतिया को एक अजीब रिएक्शन दी जो उसने ब्रॉड के लिए किया था। उन्होंने राहुल तेवतिया को गेंद मिस होने के लिए धन्यवाद किया, RR को जीत की बधाइयां दी। मयंक और संजू सैमसन को शानदार बोले। 2014 में राजस्थान रॉयल्स के लिए आईपीएल की शुरुआत करने के बाद तेवतिया ने एक लंबा सफर तय किया है। अपने अब तक के आईपीएल करियर में राहुल तेवतिया ने केवल 22 मैच खेले हैं, जिसमें 21.75 के एवरेज में 174 रन बनाए हैं और 19.17 की स्ट्राइक रेट में 17 विकेट भी लिए हैं। 216 के संस्करण में किसी भी फ्रेंचाइजी द्वारा नहीं चुने जाने से तेवतिया ने 2017 में किंग्स इलेवन पंजाब के टीम चले गए और 2018 और 2019 में दिल्ली कैपिटल्स के साथ 2 सीजन का खर्च किया, जो कि 3 करोड़ के लिए अपने पूर्व फ्रेंचाइजी को दिया गया है। रविवार के बाद हर कोई राहुल तेवतिया के बारे में नोटिस लेना शुरू कर देंगे। Hit the subscribe option and the bell icon to get all the exclusive sports videos on Extra Time.